हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अ बिग डेटा एनालिटिक्स कोर्स। एंड इन दिस कोर्स हमने लास्ट वीडियो में मैप रिड्यूस देखा था कम्प्लीटली, क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, किस तरह से डेटा आता है जाता है। नाउ वी विल सी द एपीआईज ऑफ मैप रिड्यूस। तो देखो, मैप रिड्यूस की जो एपीआईज है, या फिर अपन बोल रहे हैं कि मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ क्लासेज एंड मेथड्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। देखो, प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्लासेज भी आएगी और मेथड्स भी आएंगे, तो इनको कुछ अलग अलग मिनिमम चार कॉन्सेप्ट्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट आपका जॉब कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, एक है आपकी जॉब क्लास, एक है आपकी मैपर क्लास और एक है रिड्यूसर क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, इसको अच्छे से समझ लेना, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जॉब कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। सो द जॉब कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस बेसिकली क्या है, ये मैप रिड्यूस में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को आपको डिफाइन करने में मदद करता है। और अपन एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी टास्क अगर रन हो रहा है तो उसको रीड ओनली व्यू केस के अंदर कौन ले जाता है, जॉब कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस ही लेके जाती है, जिसके अंदर दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं। अगर मैपर साइड पे कर रहे हो तो आप ये वाला यूज करोगे, अगर रिड्यूसर साइड पे यूज कर रहे हो तो रिड्यूस कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे, जिसके अंदर की आ गई वैल्यू आ गई, की आ गई वैल्यू आ गई। तो देखो, वैल्यू इन वाली है यानी इनपुट आ रहा है, और ये की आउट यानी आउटपुट वाली है। तो इनकी की और वैल्यू, आउट की एंड वैल्यू, इसी प्रकार रिड्यूस कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। तो ये हमारा छोटा सा जॉब कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस। नाउ वी विल सी द जॉब क्लास। ठीक है, बेसिकली ये मेन क्लास होती है। जॉब कॉन्टेक्स्ट तो ऐसे है जैसे जॉब असाइन करना, अब जॉब क्लास का वो काम है जो मेन काम जैसे वर्कर करता है, स्लेव करता है। तो जॉब क्लास क्या कर रही है, बेसिकली यूजर को अलाउ कर रही है किसी भी जॉब को कॉन्फिगर करने के लिए, या उसको सबमिट करना है, या किसी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है, या क्वेरी को स्टेट करना है। तो इस केस में जॉब क्लास को यूज किया जाता है, जिसके अंदर देखो ये कंस्ट्रक्टर यूज करा हुआ है यहाँ पर, जिसके अंदर कॉन्फिगरेशन दे रखा है एंड स्ट्रिंग दे रखी है। कुछ कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, ओनली कॉन्फिगरेशन होगा, और कुछ में तो दोनों ही नहीं होंगे, एकदम एम्प्टी होगा, ओनली जॉब होगी। नाउ इसी जॉब क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स है, लाइक गेट जॉब नेम, गेट जॉब का क्या स्टेट है, क्या आपकी जॉब फिनिश हो गई है नहीं हुई है, ठीक है, या सेट इनपुट फॉर्मेट क्लास, जॉब का नेम क्या रखने वाले हो आप, ठीक है, सेट करने के लिए, एंड सेट करना है आउटपुट फॉर्मेट, सेट करना है मैपर या सेट करना है रिड्यूसर क्लास को। सिमिलरली सेट पार्टिशनर क्लास हो गई, सेट कंबाइनर क्लास हो गई। अब देखते हैं मैपर क्लास, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैपर क्लास ऐसी क्लास है जो आपकी मैप जॉब को डिफाइन करती है। मैप जॉब क्या है, वही रो डेटा जो आ रहा है उसको सेट ऑफ टपल्स में कन्वर्ट करना है, यानी की वैल्यू पेयर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो, मैप्स क्या करता है, वो इनपुट की पेयर्स को क्या करता है, इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अगर इसके डायग्राम में देखें अपन, कुछ फंक्शन दे रखा है, मैप की इनकी वैल्यू और वैल्यू इनकी वैल्यू, ठीक है, यानी इनपुट की दोनों वैल्यू, की और वैल्यू, एंड ये आपका कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब जो आपकी मैपर क्लास होती है वो दो चीज़ों से इंप्लीमेंट होती है, एक तो हो गया आपका मैपर इंटरफेस और एक हो गया आपका मैपर रिड्यूस बेस क्लास। जो मैपर रिड्यूस बेस क्लास है, बेसिकली वो ऐसी बेस क्लास है जो मैपर के लिए भी यूज की जा रही है और रिड्यूसर के लिए भी, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का जो भी पार्ट होता है, अगर मैपर में हो रहा है तो रिड्यूसर में भी होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो वो एक तरह से बेस क्लास काम आती है आपकी मैप रिड्यूस बेस क्लास। अब देखो, मैपर इंटरफेस इसका मेन रोल है, क्योंकि एक्चुअली जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है आपका, मैपर इंटरफेस। ओके, तो इसके अंदर देखो, मैपर के अंदर की वन टू, की टू एंड वैल्यू टू, तो ये आ गई आपकी इनपुट वाली और ये हो गई आउटपुट वाली। तो आपकी की के कॉम्बिनेशन को तो ये बोलते हैं राइटेबल कंपेरेबल, एंड जो आपके वैल्यू के कॉम्बिनेशन होते हैं उसको बोलते हैं राइटेबल इंटरफेसेस। अब इसके अंदर जो मैपर क्लास है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैपर्स होते हैं, एज अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आप डिफाइन करते हो। दीज आर फोर मैपर्स इनटू दिस। फर्स्ट नंबर पे आइडेंटिटी मैपर, यानी कि जो इनपुट इन हो रहा है वही आउट हो रहा है। इनवर्स में की आ गई वैल्यू आ गई, इसको उल्टा कर दोगे वैल्यू आएगी की आएगी, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। रेजेक्स मैपर, इसके अंदर ओनली की जाती है वैल्यू नहीं जाती, तो यहाँ पर मैपर आ जाता है, फिर टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है, लॉन्ग आ जाता है, एंड बेसिकली ये जनरेट क्या करता है, मैच स्लैश वन। ये कब जनरेट होता है, जब आपका इनपुट जो है आपका रेजेक्स है वो मैच हो जाए, जब भी मैच होगा तो वन हो जाता है यहाँ पर। टोकन काउंट मैपर, इसके अंदर भी की ही जाती है ओनली, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैपर आ गया उसमें की आ गई, टेक्स्ट आ गई, लॉन्ग आ गई, बेसिकली ये भी क्या करता है, ये टोकन जनरेट करता है, कब, जब आपका इनपुट टोकनाइज्ड हो जाता है। तो ये सब होता है जो अपना मैपर क्लास के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, मैपर इंटरफेस एंड मैप रिड्यूस बेस क्लास। अब चलते हैं अपन रिड्यूसर क्लास की ओर। नाउ वी विल सी द
रिड्यूसर क्लास, रिड्यूसर क्लास का क्या काम है, इट डिफाइन द रिड्यूसर जॉब इन अ मैप रिड्यूस। देखो बेसिकली क्या है, जो भी आपका मैप रिड्यूसर डेटा आता है सेट ऑफ टपल, ठीक है, यहाँ समझो आप मैप से जो भी डेटा सफल होके एंड सॉर्ट होके, सफल होता है फिर सॉर्ट होके आता है जो भी डेटा यहाँ पर सेट ऑफ टपल्स, वो रिड्यूसर के पास में आता है। अब रिड्यूसर क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है डेटा को, लाइक आपको मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए जो भी है आपकी क्वेरी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिड्यूस कर देता है। अब वो कैसे करता है, जो भी आपका जैसे कि यहाँ से यहाँ पहुँचा तो वो हो गया आपका इंटरमीडिएट वैल्यूज, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट जो वैल्यू है जो रिड्यूसर के पास आ रही है, वो इसको कोई एक इसकी कोई भी की होगी, सपोज करो K2 थी, ठीक है, K2 V2 थी, ठीक है, तो ये इसको मिलती है ना, तो ये क्या करता है, वो की वैल्यू जो है वो स्मॉलर सेट ऑफ वैल्यूज के साथ सेट वो शेयर कर देता है। तो मतलब कि यहाँ पर सपोज करो कि अगर वो वैल्यूज आ रही है तो यहाँ पर K3 V3 है, तो उसके साथ ये वैल्यूज क्या कर देगा, वो शेयर कर देगा K2 V2। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपकी की वैल्यू शेयर हो जाती है किसके साथ, स्मॉलर सेट ऑफ वैल्यूज के साथ में। नाउ अब अपन इसको अगर थोड़ा प्रोग्रामिंग फॉर्म में लिखे तो देखो रिड्यूस फंक्शन आ गया जिसके अंदर इनपुट की वैल्यू है, फिर आइटरेबल वैल्यू इन जितने भी वैल्यूज है उस पर्टिकुलर की वो सारी वैल्यूज आ जाएगी, फिर उसके बाद आपका कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसको एक अच्छे तरीके से समझते हैं, देखो इसके अंदर भी वही मैप रिड्यूस बेस क्लास यूज की जा रही है, क्योंकि मैंने कहा था मैपर और रिड्यूसर दोनों में यूज किया जाता है उसको, साथ के साथ और इंप्लीमेंट करता है रिड्यूसर क्लास, दैट इज योर रिड्यूसर इंटरफेस। रिड्यूसर इंटरफेस का क्या है, कोई सीन नहीं है, सेम सीन है, वही आपकी K2 V2 आ गई और जितनी भी वैल्यूज है वो सारी आ गई। देखो इसको एक और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, जैसे कोई वेदर का आस्ट है, ठीक है, वेदर का जो भी डेटा है आपके पास, सपोज करो 1950 के अंदर जो भी वेदर रहा है अलग अलग टेम्परेचर, सपोज करो 2 रहा, 6 रहा, 5 रहा, तो ये जितने भी डेटा सेट है ये तो हो गई आपकी की, 1950 तो हो गई आपकी की, और ये सारी आ गई आपकी वैल्यूज, तो इसको आइटरेटर वैल्यूज बोला गया, समझ गए, आप समझ में आ गया होगा। फिर आपके बाद यहाँ पर आ गया आउटपुट कलेक्टर K3 एंड V3, जो आपकी नेक्स्ट की एंड वैल्यू है, जो आपकी स्मॉलर सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, और यहाँ पर रिपोर्टर में वो चेक करता रहता है किस तरह से टास्क रन हो रहा है, एंड बेसिकली ये जनरेट कर देगा फिर आपका K3 V3 नई वैल्यूज। तो यही है मेन, और इसके अंदर दो रिड्यूसर्स होते हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज करो, लाइक एक तो होता है आइडेंटिटी, एक होता है आपका लॉन्ग सम रिड्यूसर। अब आइडेंटिटी रिड्यूसर के अंदर तो सेम है KV, जो आइडेंटिटी होता है सेम टू सेम, ओके, लॉन्ग सम रिड्यूसर ये थोड़ा अलग है, इसके अंदर की आ गई, फिर आपका आता है लॉन्ग राइटेबल, फिर आपकी की आ गई, फिर आता है लॉन्ग राइटेबल, एंड साथ के साथ ये क्या करता है, जितनी भी आपकी वैल्यूज है जो भी गिवन कीज के कॉरस्पॉन्डेंट, लाइक 1950 है आपका, उसके कॉरस्पॉन्डेंट जो भी वैल्यूज है उसका ये क्या कर देगा, सम कर देगा, कौन, लॉन्ग रम रिड्यूसर। तो ये सब चीज़ें होती है रिड्यूसर के अंदर, एंड फाइनली अपन को क्या मिल जाता है, यहाँ पर इसका आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे कुछ मैप रिड्यूस APIs, होप सो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, एंड प्लेलिस्ट को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो जय हिंद, जय भारत गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।